आज असेंबली का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आसिफ शेख रशीद अपने पुराने घर हज़ारखोली से निकले और सीधे बड़ा कब्रस्तान शेख रशीद साहब खलील दादा इनकी कब्र पर दुआ करने पहुँचे। जब से सियासत शुरू की है आसिफ शेख रशीद ने, उस दिन से आज ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब शेख रशीद साहब उनके साथ नहीं है। नहायत नम आँखों से वो यहाँ दुआ कर रहे हैं और दुआ करने के बाद वो फॉर्म भरने के लिए केडी पहुँचेंगे। केडी से जुलूस की शक्ल में वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन आज ये लम्हा उनकी सियासत में एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और जबकि शेख रशीद साहब उनके साथ नहीं है। आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप निकले, आपकी सियासत की ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब शेख रशीद साहब और खलील दादा आपके साथ नहीं है, क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि शेख रशीद साहब, जब भी मैं नॉमिनेशन करने जाता था तो शेख रशीद साहब मेरी सरपरस्ती किया करते थे, दुआएं देते थे और मेरे साथ प्रांत ऑफिस में आकर नॉमिनेशन किया करते थे। खलील दादा भी मेरे साथ आकर नॉमिनेशन किया करते थे। आज मेरे परिवार के दो बड़े शख्स इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए, और जब हम प्रचार के लिए निकल रहे, इलेक्शन लड़ रहे, तो पल पल उनकी यादें आ रही है। और उनकी यादें ये आ रही है कि वो ऐसी सरपरस्ती किया करते थे, ऐसा मशवरा दिया करते थे, ऐसी तकरीर करना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से आवाम से मिलना चाहिए, तो वो यादें आ रही है। और आज मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, शेख रशीद साहब खलील दादा के बिना वो दुनिया से चले गए, और उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर, उनके कामों के ऊपर, विकास और डेवलप के नाम पर जो शेख रशीद साहब ने हमेशा वोट मांगा, हमने वोट मांगा, और मैं आज भी शहर की आवाम से अपील करता हूं कि मैं विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांग रहा हूं और सभी समाज को साथ लेकर, पूरे शहर को साथ लेकर चलने का मैं वादा शहर की आवाम से कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैं नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शहर की आवाम मुझे कामयाब करेगी। शेख रशीद साहब के चाहने वाले, खलील दादा के चाहने वाले, आप क्या उनसे आज? शेख रशीद साहब से चाहने वाले एक बहुत बड़ा तबका गरीबों का है। शेख रशीद साहब से बहुत मोहब्बत किया करते थे। शेख रशीद साहब उनको अपनी सियासी ज़िंदगी में, सामाजिक ज़िंदगी के अंदर शेख रशीद साहब सबको साथ लेकर चला करते थे। आज मैं शेख रशीद साहब के, खलील दादा के तमाम ही चाहने वालों से अपील करता हूं कि आप लोग इत्मीनान रख के, मैं आप लोगों को भी यकीन दिलाता हूं कि मैं शेख रशीद साहब जिस तरीके से आपको लेकर चला करते थे, खलील दादा आपको जिस तरीके से लेकर चला करते थे, इंशाल्लाह मैं और मेरा परिवार भी आप लोगों को साथ लेकर चलेगा। दोनों इस साल पहली बार ऐसा है कि आपकी वालदा भी घर में नहीं है, तो आपको? मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया था, और पिछले इलेक्शन में मेरी वालदा दुनिया में नहीं थी। आज मैं हमारे पुराने मकान से जब घर से निकला तो उनकी यादें कि वो यहाँ खड़ा रहा करते थे, यहाँ पर मेरे को सर पर हाथ रखा करते थे, दुआएं देते थे, तो वो सभी यादें आज मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने आई है। और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम मेरी सरपरस्ती करेंगी और मेरे वालदैन जैसा मेरे सर के ऊपर हाथ रखेंगे। सभी लोगों ने अपने अपने तौर से अलग अलग जगहों से नॉमिनेशन भरने की जगह सिलेक्ट की। आपने कब्रिस्तान में रशीद साहब की कब्र से फॉर्म भरने के लिए, मतलब शुरुआत के लिए पहले यहाँ पर आए, क्या इसका रीज़न? शेख रशीद साहब की वजह से ही मैं सियासत में हूँ, मेरा परिवार सियासत में। शेख रशीद साहब ने शहर की खिदमत की, सियासत की, सबको साथ लेकर चले, और आज शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है तो मेरे लिए मेरे वालदैन जो आज दुनिया में नहीं है वो मेरे लिए सबसे अजीम थे दुनिया में, तो इसके लिए आज मैं उनकी कब्र के ऊपर आकर दुआ किया और अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया, अल्लाह ताला से मांगा हूँ, अल्लाह ताला से दुआ किया हूँ कि मेरे वालदैन की मगफरत करे, और तमाम ईमान वालों की, अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए उनकी मगफरत की दुआ मांगा हूँ,
और अल्लाह से दुआ मांगकर मैं आज नॉमिनेशन कर रहा हूँ, और मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेगा।